अजयपाल नथ इस सारे परिवार का इस संघर्ष के इस पहले वाले संघर्षों के बहुत बड़ा रोल है। सुदर्शन नथ, जसलीर नथ, अजयपाल नथ, नथ भैन, नवकिरण नथ। तो मैं अजय थोड़े को जानना चाहना कि तुम लगातार इस दिल्ली के मोर्चे नाल भी जुड़े हुए थे, उस तो पहला भी नौजवान जिस तरह मोबिलाइज हुए ने इस संघर्ष के नाल, जिहड़ा पहला सानूं लगता सी बहुत वड्डा खदशा सी कि नौजवान शायद घरां चों ना निकलना, जिस तरह नौजवान एनर्जी मोबिलाइज हुई है, चैनलाइज हुई है, ये रोल बारे इस संघर्ष के भी महसूस किया है, तो तुम की देखते हो कि आने वाले समय के नौजवानों की शमूलीयत नाल इस संघर्ष की दिशा होगी? देखो, मैं समझना भी बहुत बड़ा चेतना का चेंज है। ठीक है, पहले कोई उस रूप का संघर्ष इस रूप हजे तक बिल्ड नहीं हुआ, जो साथ कह सको भी जिन्हें जनतक जथेबंदियों ने जिन्होंने अगवाई देनी सी उन्होंने भी कमी रही थी, पर ये चलो यह अपन हरेक नवी चीज़ का स्वागत करना चाहिए भी इस अंदोलन ने वो प्लेटफॉर्म देता। जो शुरू से खदशे से नौजवानों हम एक महीने के उत्ते हो गया अंदोलन चलते हैं, वह बहुत पिछे रह गए नौजवान जिड़े कि अजे तक आपकी एनर्जी को किसी चैनल से उस चुका नहीं पाए थे, उन्होंने बड़ा वधिया तरीके पूरे अंदोलन जाकर शमूलीयत की है, तो इस शमूलीयत बिल्कुल नवी डिमेंशन से लगे जोश वाइज। जे नौजवान ना होंगे एक गल बिल्कुल सही है, जो नौजवान ना होंगे दिल्ली के बरूहों से नहीं आ सकते। अच्छा, वो इतने आ गए, फिर कुछ जिन्होंने कहा भी ये तो जी यह कोई अमन कानून की स्थिति से ना खड़ा जी, नौजवानों ने बड़ा जोश के हौसला लिया, इतने आकर उन्होंने लीडर ने कहा लो जी दिल्ली नहीं आता हूँ तुम्हें साड़ी कमांड फिर सामभो, सो इतने लिया के हम एक महीने तो बाद पूरे सबर न बैठे ने नौजवान, तो जिहड़े अपने सत्कार लीडर साहबान ने उन्होंने फ्यूजन नाल यह अंदोलन नवियां पैड़ा सिरज रहा है, तो इतिहास लिखा जा रहा है। इस तो बाद चेतन नौजवान अगे भी बहुत कुछ करते रहेंगे, ये मेरा मन है, इन्होंने राह दिखाता इस अंदोलन।